हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये गार्लिक फ्राइड है, इसे लहसुनिया बेल भी कहते हैं। इसमें स्मेल आती है लहसुन जैसी, इसीलिए इसे लहसुनिया बेल भी कहते हैं। और ये साल में 2 बार फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करती है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये फ्लावरिंग होती रहती है। और इसमें एक ख़ास बात ये है, जैसे डोरमेंसी में प्लांट चले जाते हैं ना, तो उनकी पत्तियाँ भी गायब हो जाती हैं। बट इसमें क्या है कि इसकी पत्तियाँ ग्रीन ही रहती हैं, एकदम ऐसे शाइनी शाइनी रहती हैं। तो ये लास्ट ईयर पे लेके आई थी, जनवरी फरवरी में लेके आई थी, तो मुझे मिल गई थी तो मैंने ले ली, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो बरेली गई थी तो वहाँ मुझे बाई चांस मिल गई थी, तो मैं ले आई और बहुत खुशी हुई थी। तो उस समय तो फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि इस समय इसका डोरमेंसी पीरियड था, छोटा प्लांट था, मुश्किल से 1-1.5 फीट के करीब ही होगा, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी। बट अब इसमें बर्ड्स आई हैं, अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फूल तो कई दिन से आ रहे हैं, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर वीडियो बनाते हैं। तो इसमें मैंने कोई एफिड वगैरह, कोई कीट वगैरह लगते हुए नहीं देखे हैं। और ये मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में लगा के रखा है। और जब भी लेके आई थी तो छोटे पॉट में ही लगाया था, पर अब मैंने इसे बड़े ग्रो बैग में लगा दिया है, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ हो गई तो मैंने सोचा चलो इसमें लगा दूँ। जैसे ही मैंने रिपोर्ट की तो एकदम से इसकी ग्रोथ अच्छे से हो गई, और फ्लावर बर्ड्स भी आने लगे हैं। अच्छा लग रहा है, देख के खुशी हो रही है। और इस तरह से मैंने पॉली बैग में किचन वेस्ट वगैरह, गार्डन वेस्ट वगैरह भर के रख दिया है। एक वो है किचन वेस्ट भरा हुआ, एक गार्डन वेस्ट है। तो मुझे थोड़ा सा ईजी गार्डनिंग करना चाहती हूँ, तो इस तरह से देखिए इसमें नीचे ये केचुए हैं। तो क्योंकि इस एक तो ठंडक मिलती है, ऊपर से इसमें जो वेस्ट होता है उसको खाने के लिए ये ऊपर आ जाते हैं उसकी स्मेल से। तो केचुए भी बहुत अच्छे से इसमें होते हैं। मैं इसे अब गुड़ाई करके, खुदाई करके तो मैं इसमें नहीं डाल सकती थी, तो मैंने इस तरह से पॉली बैग में भर के रख दिया, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट, और उसमें हल्का हल्का पानी देती रहती हूँ, तो जिससे इससे काफ़ी न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं और ये ग्रोथ करती रहती है। और काफ़ी अच्छे से हाइट हो गई है इसकी, और खूब बढ़िया लग रही है, और भी बढ़ेगी। पर अभी क्योंकि ग्रो बैग है, ज़मीन में होती तो बहुत पूरे में फैल जाती, पर ये ग्रो बैग में है तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। गमले में तो छोटी ही रहते हैं, पर फिर भी ये अच्छी ग्रोथ पकड़ रही है अभी ये। और अब ये सर्दियों में खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगी, सर्दियों में तो नहीं कह सकते, ये नवंबर तक फ्लावरिंग खूब करेगी, फिर उधर मार्च अप्रैल में करती है फ्लावरिंग, तो अच्छे से फूल आते हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, स्प्रिंग सीजन टाइम होता है, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर देती है ये। और इसका कलर जब ये खिलता है तो बिल्कुल पर्पल होता है, और फिर धीरे धीरे कलर इसका चेंज होता रहता है। तो इसमें पर्पल कलर के बाद में ये लाइट हो जाता है, जब पुराने फूल हो जाते हैं। और इसमें क्या करना है, इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है, और इजीली कटिंग से प्रोपेगेट हो जाती है। मैंने इसको कटिंग से भी लगाया, क्योंकि मैंने नीचे की ब्रांचें कट की थी, जिससे कि ऊपर की तरफ ग्रोथ रहे, नीचे ग्रो बैग में मिट्टी ना ढके, तो इस वजह से मैंने नीचे से कट कर दी थी ब्रांचें, तो उसको मैंने कटिंग की थी। 3-4 प्लांट मैंने तैयार किए थे ये गार्लिक वाइन के। इजीली कटिंग से लग जाती है स्प्रिंग सीजन में या बारिश के सीज़न में, स्पेशली मानसून में लगाएं तो बहुत ईजीली लग जाती है। 5-6 इंच की कटिंग लगाइएगा, पुरानी ब्रांच तो वो लगाइए, इजीली लग जाती है। और ये इसमें जीनिया भी लगा हुआ है, ये सदाबहार भी लगा है, तो इसे मैं इसी में सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ एक बांस लेके आऊँ उसे चारों तरफ, मगर बांस बहुत मोटा हो जाता है, तो ऐसे क्या लगाऊँ जिससे कि ये ऊपर बढ़ जाए। इसे मैं अपने उस साइड में चढ़ाने की सोच रही हूँ टंकी के ऊपर, पर देखते हैं क्या कर सकती हूँ मैं, बाद में जुगाड़ करती हूँ इसको लगाने का। अभी तो ये मैंने सनफ्लावर का नीचे पाइप लगाया है, फिर सनफ्लावर का वो कट करके लगा दिया है। और ये देखिए हिबिस्किस के फूल भी आने लगे हैं मेरे इसमें, और ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। इसके आसपास इतनी खुशबू आ रही है लहसुन की जैसी, और ये भी बर्ड्स आ रही है, देखिए लहसुन जैसी खुशबू आती रहती है, तो इसलिए इसमें एफिड वगैरह या कोई कीट वगैरह नहीं लगते हैं, पेस्ट नहीं लगते हैं, ये मैंने नोटिस किया है। पहले जब मैंने लगाया था तो प्लांट के बीच में भी था तो भी नहीं लगे, और अब इधर है तो भी नहीं लगते, क्योंकि इसकी स्मेल से पेस्ट दूर रहते हैं। तो ये मामले में भी बहुत अच्छा है कि इसमें आपको पेस्ट की चिंता नहीं करनी है, उसकी केयर नहीं करनी है ज़्यादा, बस इसमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए, क्योंकि जब बंचेस में फूल आते हैं ढेर सारे, तो इसे वीकली फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। 200 ग्राम के अपने आप गोबर की खाद डाल दीजिए, वो बढ़िया रहती है। अभी फ़िलहाल मेरे पास गोबर की खाद नहीं थी, तो मैंने इसी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र
भरा के डाला था, पोटाश डाली थी, और ये इस तरह से किचन वेस्ट भर के रख दिया है, गार्डन वेस्ट भर के रख दिया है, इससे ऐसे न्यूट्रिएंट मिलते रहे। क्योंकि कई तरह की पत्तियाँ वगैरह भरी होती हैं उसमें ग्रो पॉली बैग में, तो इससे कई तरह के न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रोथ भी अच्छे से कर रही है। अभी देखते हैं और ये कितनी बड़ी होती है। अब मेरे पास पर्पल ये दो हो गए हैं, ये टिकोमा पर्पल, ये लहसुनिया बेल हो गई है पर्पल, और टिकोमा पर्पल है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो लहसुनिया बेल रुक रुक के फ्लावरिंग करती रहती है, थोड़ा टाइम लगता है फिर फ्लावर दे देती है, फिर टाइम लगता है थोड़ा रेस्ट करती है फिर फ्लावरिंग दे देती है। तो ये बहुत प्यारा प्लांट है, और ये एक्चुअली मुझे लेने की धुन सवार हो गई थी, कहीं मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको मतलब बोनसाई टाइप का बनाया था, नीचे से बिल्कुल प्लेन था ऊपर तक, और उसके ऊपर जा करके एकदम छतरी टाइप का, छाता टाइप का बना दिया था उन्होंने, तो पूरा फूलों से भरा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तब से मुझे बहुत मन हो रहा था मैं इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाऊँ। आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर जगह दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, कभी नहीं जाएगा ये, डोरमेंसी में थोड़ा चला जाता है पर ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिएगा, और बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहती है इसकी, अच्छे से चलता है ये प्लांट, और इसकी मिट्टी आपको थोड़ी सी सही रखनी पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम उसका बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ग्रो बैग में लगी हुई है तो इसमें होल तो है ही ग्रो बैग में, बट इसमें आपको सैंडी सॉइल बना के रखनी पड़ेगी, ढेर सारी रेत और कंपोस्ट, गोबर की खाद, और अपने गार्डन की सॉइल मिक्स करके लगा दीजिए, इजीली चलता रहेगा। ज़मीन में तो कैसे मिट्टी हो चल जाता है, पर गमले में या पॉट में लगाएं या ग्रो बैग में लगाएं तो मिट्टी का थोड़ा ध्यान रखें। मैंने इसमें थोड़ा नीचे मिट्टी डाली थी अपने गार्डन की, क्योंकि गार्डन की मेरी उपजाऊ हो चुकी है मिट्टी, तो मैंने गार्डन की मिट्टी डाली थी, उसके ऊपर से मैंने अपना गार्डन वेस्ट ढेर सारा था वो डाला था। तो मैं कट्टों में भर के रख लेती हूँ, जब भी प्लांट ख़त्म करती हूँ, जैसे विंटर के प्लांट ख़त्म किए तो वो सारा गार्डन वेस्ट भर के रख लेती हूँ, तो वो मैंने काम किया। इसमें ये जो देख रहे हैं ये इस तरह की ये सारी ये इस तरह से ये अपने आप ही ऊपर को बढ़ती रहती है, इस पर स्प्रिंग जैसे निकलते रहते हैं तो उनसे अपनी ये सपोर्ट लेती रहती है। तो मिट्टी की बात कर रहे थे हम, तो इसमें मैंने अपने थोड़ा सा अपना गार्डन का वेस्ट मैंने भर के रखा था वो डाला था, फिर मिट्टी डाली ढेर सारी, फिर उसके ऊपर से खाद मिक्स मिट्टी थी वो मैंने डाली, फिर उसके बाद में मैंने इसमें ये लगा दी थी। तो ग्रो बैग इसी तरह से भर के इसे लगाइएगा, क्योंकि उसके लगाने के बाद में फिर उसमें कुछ दिनों तक खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वीकली आप इसे ज़रूर फर्टिलाइजर दें। डोरमेंसी के टाइम तो फर्टिलाइजर ना दे कोई बात नहीं, मगर जब फ्लावरिंग हो तो ज़रूर इसमें फर्टिलाइजर देना होता है, क्योंकि बहुत ढेर सारे फूल खिलते हैं तो उसी हिसाब से इसे फूड मिलना चाहिए, जितनी एनर्जी वेस्ट करेगा उस हिसाब से फूड मिलना चाहिए, तो ये अच्छे से चल जाएगा, फ्लावरिंग भी बहुत करेगा। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और पानी का ध्यान रखिएगा, फुल सन में रखिएगा, विंटर में तो फुल सन ही चाहिए होती है, ये फुल सन का ही प्लांट है, गर्मियों से थोड़ा बचाइएगा, तेज़ गर्मी से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें थोड़ा सा बचा के रखिएगा, तेज़ गर्मियों में इसकी पत्तियाँ झुलसने लगती हैं। और पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, मिट्टी मॉइस्चर बना रहे और बिल्कुल ड्राई ना हो, ड्राई होगी तो पत्तियाँ भी मुरझा जाएंगी, फूल भी मुरझा जाते हैं जल्दी, तो पानी ड्राई ना हो। ज़मीन में तो चलो एक दिन दो दिन फूल जाओगे तो कोई बात नहीं है, मैंने गमले में या पॉट में लगा रखा है, तो ग्रो बैग में लगा रखा है, तो आपको पानी का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिए, नमी बना के रखिएगा, और जिससे कि आपके प्लांट को नमी मिलती रहे। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक फ्रेंड्स गार्डन करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।